रुद्राक्षी के तेज से चलाने पर सब उसे हैरानी से देखे जा रहे थे। उसने सबको देखते हुए कहा, चुप एकदम, मैं कुछ बोल रही हूँ, उसे सुन नहीं सकते आप सब लोग। कब से कुछ बोले जा रही हूँ और आप सब मुझे राजकुमारी रुद्राक्षी सिंह को इग्नोर कर रहे हो। ये कहते हुए वो घूर के सबको देखे जा रही थी। उसके इस बात पर रुद्र ने कहा, अरे हमारी जान, आप कुछ कहें और हम सब ना सुने, ऐसा कभी हो सकता है? सब लोग हमारी जान की बात सुने, कोई कुछ नहीं कहेगा, खबरदार। हाँ हमारी जान, बोले आप। ये बोलकर वो उसे देखने लगा। इस पर रुद्राक्षी फ्लाइंग किस देते हुए बोली, लव यू पापा, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ तो मैं कह रही थी, आज मैंने जो कहा है वो सब मानेंगे, जिसे नहीं मानना वो जैसलमेर जा सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ जो होगा वो मेरी बात मान के रहेगा, और मैं चाहती हूँ सब राजस्थानी तरीके से हो। और हाँ, मुझे आप सबसे एक बात और कहना था, मुझे शादी करनी है। उसके इस बात पर शिव बोला, अच्छा, बहुत अच्छा डिसीजन है। तो आर्यन को तलाक कब दे रही हो? मुझे तो वो लड़का पहले से पसंद नहीं था, पर कोई बात नहीं, तुमने देर से फैसला लिया लेकिन अच्छा फैसला लिया। रुद्राक्षी ने उसे घूर के देखते हुए कहा, मुझे आर्यन जी से ही शादी करनी है। अरे पर उस लड़के से दोबारा शादी क्यों करना चाहती हो? मैं क्या कहता हूँ लाडो, आपको सोचना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं आप अपने लिए कोई दूसरा लड़का खोज लें, जो उससे भी अच्छा हो, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ तलाक दे दो, मुसीबत है बहुत बड़ी, वो जहाँ रहता है वहाँ मुसीबत आती है। शिव की इस बात पर रुद्राक्षी ने सामने रखा लड्डू उठाया और एक साथ दो उसके मुंह में ठूसते हुए बोली, आपका मुंह बंद ही अच्छा लगता है भैया, और खबरदार जो मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा कहा। तो अगर मेरा तलाक हुआ तो ये जान लो, मैं आप सबकी पत्नियों को आप सबसे अलग कर दूंगी, इसलिए जो कह रहे हैं उसे चुपचाप सुने। आर्यन जी से इस बार शादी मेरी मर्जी से होगी, खुशी से होगी, और मुझे मेरी शादी थोड़ी डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट मतलब क्या? तो उसे सलामी दिलवाएंगे? जानवी के ये कहने पर वो बोली, नहीं हाथी चाहिए, वो भी पूरे 11। उसके बाद सुनकर शौर्य बोला, क्या हाथी, वो भी 11? क्यों, क्या करोगी? शिव ने अपना मुंह साफ करते हुए कहा, आर्यन को उसके नीचे कुचलेगी। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी कमर पर हाथ रखकर उससे घूर के देखने लगी। शौर्य ने कहा, वो तो एक से भी कुचल जाएगा, उसमें 11 की क्या जरूरत है? शिव ने कहा, अरे क्या पता एक से बच गया, दो से बच गया, पर 11 हाथियों से कैसे बचेगा? गुड, बहुत अच्छा सोचा आपने लाडो। भैया शांत रहो, नहीं तो एक की बीवी को बनारस पार्सल कर दूंगी और दूसरे की ऑस्ट्रेलिया, फिर खेलते रहना एक दूसरे के साथ कुकड़ी, इसलिए मुंह बंद करें आप दोनों और मेरी बात सुने। ये कहकर वो सबकी तरफ देखने लगी और बोली, इस बार शादी डिफरेंट होगी, इस बार बारात लड़के वाले नहीं बल्कि लड़की वाले लेकर जाएंगे, और वो भी ट्रेडिशनल तरीके से। इस पर शिवांगी ने कहा, बेटा ट्रेडिशन तो ये है कि लड़का लड़की के घर आता है हाथी पर, ना कि लड़की लड़के के घर जाती है। और ट्रेडिशन की बात है तो लड़का आता है ये सब बात करने शिवांगी, ना कि लड़की खुद ही कूद कूद के सबसे जबरदस्ती अपनी बात मनवाती है। सिया के बात पर रुद्राक्षी ने कहा, ट्रेडिशन चेंज, अब मैं हूँ, मेरी तरह रिवाज होंगे और मैं जो कहूंगी वो होंगे, इसलिए आप सब पंडित को बुलाएं और उससे मुहूर्त निकलवाएं और जो कहा है उस पर काम करें, इस बार की शादी सबके लिए यादगार रहेगी। रुद्र ने कहा, बिल्कुल हमारी जान, आप जो कहें वो होगा, आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा, हाथी चाहिए हाथी आएगी, आपको बारात लेकर जाना लेकर चलेंगे, आप कहो तो दूल्हे को महल में रख लेंगे, वैसे भी आधी रियासत आपकी है, आपका हक है। रुद्राक्षी उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू पापा, पर मुझे रियासत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शादी करनी है, वो भी आर्यन जी से और अपने तरीके से। अच्छा चले, मुझे देर हो रहा है, मैं जा रही हूँ, शाम को मिलेंगे, और हाँ विवान और मीरा जल्दी आ जाएं शायद, बाय। ये बोलकर वो चली गई। रुद्र से जाते हुए देखकर बोला, बाय हमारी जान, बाय। काशी ने उसका हाथ पकड़ के नीचे किया और उसे देखते हुए बोली, रुद्र जी हाथ नीचे कर ले, क्या पता मोच आ जाए। और ये क्या था? रुद्र ने लड्डू खाते हुए कहा, क्या क्या था? हमारी जान जा रही थी, हम उसे बाय कह रहे थे, और क्या था? वो नहीं,
ये जो सारी बातों पर हाँ में हाँ मिला रहे थे आप, वो कुछ भी बोलेगी, कुछ भी मानेंगे आप, बोले। काशी ये कहते हुए उसे घूर के देखे जा रही थी। रुद्र ने कहा, अरे कुछ भी कहाँ कह रही थी, वो तो बस शादी की बात बता रही थी, मरीजान को शादी करनी है और क्या। काशी ने कहा, और क्या, आपकी ये जो जान है एक दिन हम सबकी जान निकाल के रहेगी, देख लेना। वो कुछ भी बोलेगी और ये सब बात पर हाँ हाँ करते हुए चले आते हैं। खबरदार जो इस बार ये सब माना तो आपने, शादी जैसे होती है वैसी ही होगी। अगर ये पागलपन आपकी लाडली ने किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लें आप। 11 हाथी चाहिए, बारात लेकर जाएंगी। बाप पागल था, बेटी भी पागल मिली, दोनों ने जीना हराम कर रखा है। ये कहते हुए वो उठी और वहां से चली गई। इस पर युग ने लड्डू उठाकर खाते हुए कहा, सिया लगता है किसी की हालत धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई है, न महल का न घाट का। इसलिए कहते हैं हर बात पर हाँ नहीं करना चाहिए। सिया ने कहा, अब होगी ना ये हालत युग बाबू, हर बार तो ये अपनी बेटी की सुनते हैं, दीदी की बात सुनते ही नहीं है। बेटी है जो बाप को फंसा के चली जाती है, पर पिता तब भी प्रेम करता है, अब कोई क्या कर सकता है। वैसे हमें लग रहा है कहीं इस बार शादी में तोपे ना चल जाएं और तोपों के सामने हुकुम सा ना हो। ये बोलकर वो हंसने लगी तो रुद्र ने उसके मुंह में लड्डू ठूसते हुए कहा, मुंह को बंद रखो, कहीं हम तुम्हें ना तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दें। और डोंट वरी, कुणाल को कह देंगे रियासत के कुएं में गिर गए, पैर फिसल गया था, कुछ दिन रोएगा उसके बाद संभाल लेंगे उसे। और सुने आप सब लोग, मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं महादेव से लड़ सकता हूँ तो ये तो सिर्फ काशी है, महादेव की भक्त, इन्हें हम मना लेंगे। लेकिन अगर आप सब ने उन्हें भड़काया तो हम आप सबको नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेटी को 11 हाथी चाहिए या 1100 मैं लेकर आऊंगा, उसे बारात लेकर जाना है या नाचते हुए जाना है वो उसकी मर्जी है। आप सब अपना दिमाग मत लगाओ और उसे छोड़ो, चलो मेरे साथ ऑफिस। ये बोलकर वो कुणाल को अपने साथ ले गया। सवाई ने कहा, आज भी दोनों बदले नहीं है, आज भी काशी रुद्र जी को डांटती है और रुद्र जी उनकी बातों को आज भी लाइटली लेते हैं, पर दोनों आज भी लड़ते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। सिया ने कहा, हाँ जैसे आप और स्नेह जी। उसके ये कहने पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इधर रुद्राक्षी आर्यन के महल आए तो सब हॉल में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर उसने मन में कहा, देखो कैसे सब यहाँ बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते, जब देखो महल में बैठे रहते हैं। ये बोलकर वो महल में आई तो विवान ने कहा, हाय भाभी कैसे हो। जी बहुत बढ़िया, वैसे आप यहाँ, मेरी माँ तो आपका और मीरा का महल में वेट कर रही हैं, वो उन्हें आपसे मिलना था ना इसलिए, और आज शाम को पार्टी है महल में एकदम राजस्थानी तरीके से, अभी आप जाएं सबसे मिले, और मैं तो कहती हूँ पहले जाकर शॉपिंग करें उसके बाद खुद को ढंका करें। मीरा जाओ भैया के साथ, भैया के साथ जाकर इन्हें मार्केट घुमा दो। मैं तो कहती हूँ वरुण जी आप भी जाओ। विवान जी यहाँ की बंजारा मार्केट गए हैं आप? नहीं ना, मुझे पता था, दिन भर तो जब से आए हैं महल में बैठे हुए हैं, कहाँ कहीं घूमने गए होंगे। जाओ मीरा बंजारा मार्केट ले जाओ विवान जी को और अच्छे से घुमाना, ओके। ये कहते हुए उसने आंख मारा तो वो समझ गए। मीरा ने कहा, चलो विवान भैया आओ, वरुण जी आज आपको भी घुमा दे बंजारा मार्केट, बहुत अच्छी जगह है। विवान ने कहा, एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी हम सबको भगाना चाहती हैं? क्यों भाभी? उसके बाद सुनकर रुद्राक्षी ने बैग को सोफे पर रखा और उसे धक्का देते हुए बोली, हाँ जब समझ गए हैं तो जाए ना देवर जी, और साथ में वरुण जी को भी ले जाओ, जाओ बाय। ये कहते हुए वो उन्हें बाहर तक छोड़ के आई। विवान भी मुस्कुरा के उन सबके साथ चला गया। उनके जाने के बाद रुद्राक्षी खुद से बोली, अब ठीक है, अब हम अपने राजा साहब के साथ आराम से कुछ वक्त बिता पाएंगे। वैसे मेरे राजा साहब हैं कहाँ पर? ये कहते हुए वो अपना लहंगा पकड़ के आर्यन के कमरे की तरफ चल दी। वहां जाकर देखा तो वो वहां नहीं था। वो हर तरफ देखते हुए हॉल में आई तो नौकर चाय लेकर जा रहा था। उसने नौकर को रोक के बोला, ये कहाँ ले जा रहे हो? रानी साहब वो राजा साहब के लिए, वो स्टडी रूम में है। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने चाय का कप लिया और उससे बोली, आप जाओ हम दे देंगे। उसके ये कहने पर वो नौकर चला गया। रुद्राक्षी स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ आई और देखा तो आर्यन चेयर घुमा के बैठा हुआ था।
उसने धीरे धीरे अपना कदम रखा और अंदर आने लगी। पर तभी आर्य ने कहा, आ गए आप राजकुमारी साहिबा। ये कहते हुए उसने चेयर घुमा के उसकी तरफ मुंह कर लिया। उसने जब देखा कि रुद्राक्षी नीले राजस्थानी लिबास में थी और वो भी ऐसे इतनी सजी धजी आई है, तो वो उसे देखते हुए बोला, आज कुछ है क्या राजकुमारी साहिबा? इस पर रुद्राक्षी ने चाय टेबल पर रखा और उसके पास आते हुए बोली, नहीं तो। तो फिर ये सब क्या है? आर्यन के ये सब पूछने पर रुद्राक्षी उसके गोद में बैठते हुए बोली, क्या कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस रोज की तरह रेडी हुई हूँ। आपको क्या इसमें कोई कमी लग रही है? ये कहते हुए उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दिया। आर्यन ये देखकर उसके हाथों को हटाते हुए बोला, ये सब क्या है राजकुमारी साहिबा? अभी कोई अंदर आ गया तब बताऊंगा। रुद्राक्षी ने उसके गले में वापस बाहें डालते हुए कहा, कोई नहीं आएगा, मैंने सबको मार्केट भेज दिया। यहाँ महल में सिर्फ मैं हूँ और आप हैं। कितनी अच्छी बात है ना? ये कहते हुए वो उसे देखे जा रही थी। आर्यन ने उसे पकड़ते हुए बोला, अच्छा तो ये आपने क्यों किया? मुझे आपके साथ वक्त बिताना था, बात करनी थी और कुछ बताना था। ये कहते हुए वो उसे देखे जा रही थी। आर्यन ने कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमने शादी की बात कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या कहा, क्या मतलब? मैं आपसे प्यार क्यों करती हूँ या शादी की बात? उसके ये पूछने पर आर्यन ने कहा, शादी की बात, मैंने कहा था ना मैं वक्त देखकर बात करूंगा, तो आपने ऐसे सबसे बात कैसे कर ली? रुद्राक्षी ने इस पर कहा, हाँ देखा मैंने, आपसे कुछ नहीं होने वाला था इसलिए मैंने बात कर लिया, और मुझे आपसे दूर नहीं रहना था इसलिए हमने सबसे कहा मुझे आपसे शादी करना है, और वो भी डिफरेंट तरीके से। आर्यन ने उसे देखते हुए बोला, डिफरेंट मतलब कैसे करना है? मैंने कहा मुझे 11 हाथी चाहिए और बारात मैं लेकर जाऊंगी, और ये कहते हुए वो रुक गए। तो आर्यन ने कहा, और क्या? रुद्राक्षी ने कहा, वो अभी मैंने सोचा नहीं है। अच्छा हुआ आपने सोचा नहीं है, ये सुनकर मेरा दिमाग घूम रहा है, बेचारे आपके घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। और कुछ सोचना भी मत आप, शादी हो जाए वही बहुत है, यानी हाथी घोड़े भी चाहिए। अभी पता चला बोल रही हैं तोप मंगवा दो, तब शादी कम जंग का मैदान ज्यादा लगेगा। ये हम बस नॉर्मल मंदिर में शादी करेंगे और कुछ नहीं। उसके इस बात पर रुद्राक्षी मुंह बना के गुस्से में उसके गालों को छूते हुए बोली, आप तो मेरे राजा साहब हो ना, आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरी इतनी सी ख्वाहिश नहीं मान सकते? मैं तो बस दो चार ही बात रख रही हूँ, आप तो कितने अच्छे हैं मेरी सारी बात मानते हैं। मान जाओ, नॉर्मल शादी नहीं बहुत प्यारी शादी करते हैं। ये कहते हुए उसने उसके गालों को चूम लिया। तो आर्य ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, शादी दोबारा होगी तो नॉर्मल होगी, कोई हाथी घोड़ा नहीं, सर पंडित जी आपके घर वाले मेरे घर वाले बस, और कोई नहीं, समझे? रुद्राक्षी ने गुस्से में उसके गालों पर चूम के कहा, बिल्कुल अच्छे नहीं है आप, मैं तो ऐसे ही बोल दी थी, वो तो मैं हूँ जो आपसे प्यार कर रही हूँ, वरना करेले जैसे स्वाद वाले खड़ूस इंसान को कोई क्या पसंद करेगा। बैठे रहे यहीं पर, और हाँ अब मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी, पड़े रहो अपने महल में, मैं भी जा रही हूँ। ये बोलकर वो उठने लगी। तो आर्यन ने उसे पकड़ के गोद में बैठाते हुए कहा, अरे सुने तो हमारी बात राजकुमारी साहिबा। रुद्राक्षी उससे मुंह फेर के बैठ गई और उससे बोली, आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं क्यों आपकी बात सुनूं? मैंने एक बात कहा वो भी आप नहीं सुन रहे, और मेरे घर वाले कहते हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर पाएगा, पर यहाँ देखो ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बताओ कोई ऐसा करता है? अपनी दोबारा होने वाली बीवी की आप एक बात नहीं मान सकते, एक नहीं 11 हाथी हैं, कौन मानेगा? आर्यन के ये कहने पर वो बोली, अरे लोग प्रेम में ताजमहल बना गए, आप 11 हाथी नहीं लेने दे सकते? आर्यन ने कहा, राजकुमारी साहिबा, ये जिस ताजमहल की बात आप कर रही हैं, वो मिस्टर शाहजहां ने अपने प्यार के मरने के बाद बनवाया था, और आप जिंदा हैं। अच्छा वो छोड़ें, हमारे राजस्थान की बहुत अच्छी प्रेम कहानी है ढोल मारू, पता है उसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कितनी मुश्किल उठाता है, मौत को हरा के अपनी प्रेमिका को लाता है, आप मुझे 11 हाथी नहीं लेने दे सकते? रुद्राक्षी के कहने पर वो बोला,
आपको पाना मेरे लिए मौत से लड़ने के बराबर ही था। एक तरफ आपके घर वाले, उस पर आप। बहुत कुछ झेल चुका हूँ मैं, पर अब नहीं। मैं बस शांति से आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको यहाँ लाना चाहता हूँ, समझे आप? रुद्राक्षी ने कहा। मैं कौन सा उन सबको महल में रखूंगी, वो तो चले जाएंगे ना, और फिर एक दिन की तो बात है, मैं बस हाथी चाहती हूँ। आर्यन ने खींच के कहा। हाथी से शादी कर लो, मेरी क्या जरूरत है? अरे प्यार तो आपसे है ना, तो उससे कैसे शादी करूंगी? उसके ये कहने पर वो बोला, इस वक्त आपको देखकर लग रहा है आपको मुझसे ज्यादा हाथियों से प्यार है, क्योंकि जितनी उतावली आप हाथी को लाने के लिए हो रही हैं, उतनी तो मुझसे शादी करने के लिए भी नहीं है। रुद्राक्षी ने कहा। मान जाओ ना राजा साहब, एक तो इस बार शादी भी पता नहीं कैसे हुई थी, कम से कम इस बार मेरी मर्जी का करने दो, प्लीज मान जाओ प्लीज। ये कहते हुए उसने उसके सीने पर सिर रख दिया। तो आर्यन ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, हमारी बात समझें, नॉर्मल शादी करते हैं, क्या फालतू का ये सब, इसमें कुछ नहीं रखा। देखें, हमें साथ रहना है बस, और क्या, इसलिए मेरी बात सुने। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी उठी और उससे बोली, बड़े बेकार हैं आप, मुझे आपसे बात नहीं करना, और मैं महल वापस जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगी और रुककर बोली, और हाँ, हाथी आएंगे और बारात मैं ही लाऊंगी, चाहे आप या मेरे घर वाले माने या नहीं, समझे आप? ये बोलकर वो चली गई और आर्यन सिर पर हाथ रखे हुए बैठा हुआ था। रात का वक्त, माधवगढ़। रुद्राक्षी अपने कमरे में रेडी हो रही थी। सिद्धि ने उससे कहा, लाडो चलो सब आ गए, आपका इंतजार हो रहा है, चलें जल्दी। रुद्राक्षी रेडी होते हुए बोली, नहीं जाना हमें, हम यही रहने वाले हैं, आप सब जाओ। अरे क्या हुआ लाडो, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आर्यन जी से झगड़ा हुआ क्या, या फिर कुछ और बात है? उसके कहने पर रुद्राक्षी बोली, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस नहीं आना है, इसलिए आप जाओ, निकलो यहाँ से। ये बोलकर उसने उसे बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर पर्दा लगाकर आकर बिस्तर पर बैठ गए। सिद्धि ने कहा, अब ना जाने से क्या हुआ। फिर उसने आगे कहा, साहब कहाँ हैं? ये कहते हुए उसने इधर उधर देखा तो शिव उसे जाते हुए दिखा। उसने आवाज लगाते हुए कहा, साहब सुने। उसकी आवाज पर शिव पलटा तो सिद्धि ने उसे अपने पास बुला लिया। शिव आया और उसे पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ अमले साहिबा, आज आपको क्या हुआ जो आपने मुझे बुलाया? ये कहते हुए सिद्धि ने उसका हाथ हटाया और उससे बोली, आपकी बहन नाराज होकर बैठी हुई है, इसलिए बुलाया। आप देखें, उसने मुझे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लिया और अंदर गुस्से में ना जाने क्यों बैठी हुई है। ये कहकर उसने उसे दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। शिव ने कहा, अरे कुछ नहीं, सुबह जो बात नहीं माना है सबने, उसे मनवाने के लिए कर रही है वो। लाडो लाडो सुनो, देखो हम क्या कहते हैं, अभी चलो पार्टी का मजा लेते हैं, उसके बाद हो लेना नाराज, कहां हम सब भाग रहे हैं, आराम से मनाते रहेंगे आपको, तो चलो खोलो दरवाजा और आ जाओ। अंदर से रुद्राक्षी ने कहा, मैं नहीं आने वाली, पहले मेरी बात मानो तब मैं आऊंगी, नहीं तो मैं आज क्या अगले दिन भी यहीं रहूंगी, अंदर से रुद्राक्षी बोली। उसके ये कहने पर सिद्धि ने कहा, अब क्या करें? तभी श्रेया, शौर्य और जानवी वहां गए। श्रेया ने कहा, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या हुआ? उसके ये कहने पर सिद्धि बोली, अंदर रुद्राक्षी गुस्से में बैठी है, बोल रही है जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी वो नहीं आने वाली, हम उसे समझा रहे थे पर वो सुने तब ना। जानवी ने कहा, अरे ओ मुसीबत, निकल बाहर, नहीं तो दरवाजा तोड़ के बाहर निकालूंगी मैं, एक तो सुबह परेशान किया और अब रात में भी, निकल बाहर, सब बाहर वेट कर रहे हैं और ये यहाँ मुंह फुला के बैठी हैं, जो करना पार्टी के बाद करना, अभी कुछ मत कर, निकल ना रू बाहर। उसके ये कहने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो श्रेया ने कहा, रुको मैं बाहर निकालती हूँ उसे। ये बोलकर उसने रुद्राक्षी से कहा, लाडो आप गुस्सा हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मैं तो कहती हूँ अपने लिए सबको लड़ना चाहिए, आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही है, वैसे आप मामी बुआ के सामने भी ऐसे ही रहना, बिल्कुल डरना मत, वो गुस्सा करेंगे तो क्या हुआ, क्या पता वो आपकी शादी के लिए ना माने, पर डोंट वरी आप ऐसे ही रहना, मजाक की बात थोड़े,
अरे ये तो रुद्राक्षी सिंह की शादी की बात है, और जब तक वो उस तरह ना हो जैसे हमारी राजकुमारी चाहती है तब तक कहाँ अच्छी बात होगी। इसलिए आप बिल्कुल डरे नहीं, आप डटे रहें। अगर मामी बुआ आपको आर्यन से दूर कर दी तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, पर जिस तरह की मांग आपने की है क्या पता वो शादी पहली वाली भी तोड़वा दें। पर आप अपनी बात से पीछे मत हटना, आप बैठे हम चलते हैं। वैसे मामी बुआ आएंगे तो आप बता देना क्यों नहीं आई आप। अच्छा चलो चलते हैं सब। ये बोलकर वो सब जाने लगे। तभी अंदर बैठी रुद्राक्षी जो ये सब सोचे जा रही थी उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बोली, मैं आ रही हूँ। उसने देखा सब बाहर खड़े थे, वो सबको देख कर मुंह बना ली। श्रेया ने कहा, चलो अब नहीं तो मामी बुआ लेने आएंगे तुम्हें, जब देखो मुंह बना के बैठ जाती है, चलो। ये बोलकर वो उसे पकड़ के बाहर ले गई। सब बाहर अपनी अपनी जगह पर बैठे थे लेकिन आर्यन खड़ा रुद्राक्ष का इंतजार कर रहा था। तभी विवान ने कहा, तो भाई कैसा गया आज भाभी के साथ दिन। आर्यन ने कहा, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि अभी तक मुंह फुला के बैठी है, और मानेगी कैसे उसके महादेवी जाने, ऐसे भड़के वो महल से गई है ना जाने क्या करे। उसके कहने पर विवान बोला, पर भाभी तो सुबह बहुत अच्छे मूड में लग रही थी, तो अभी क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, बस शादी करना उसे दोबारा से। ये कहते हुए वो जूस पी जा रहा था। उसके कहने पर वो बोला, शादी तो करना चाह रही है, उसमें उन्हें नाराज करने की क्या जरूरत है, कर लेते शादी। टेंशन ये नहीं है कि उन्हें शादी करनी है, टेंशन ये है कि उन्हें शादी के लिए 11 हाथियां चाहिए और बारात भी वो खुद ही लाना चाहती हैं। आर्यन की बात सुनकर विवान के गले में जूस अटक गया और वो खांसने लगा। आर्यन ने उसका ग्लास लिया और बगल में रखते हुए पानी उसे देते हुए बोला, संभाल के ले पानी पी। विवान ने पानी पिया और उससे बोला, क्या भाभी पागल हो गई है क्या, ये क्या बोले जा रही है कुछ भी। अरे हाथी क्यों चाहिए, क्या करेंगी। अरे वो उस पर बैठ कर आएगी बारात लेकर, बताया ना मैंने वो बारात लेकर आना चाहती है, बस मैंने कहा ये नहीं हो सकता तो वो रूट के चली गई, अभी तक बाहर भी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ है। आर्यन ये कहते हुए महल की तरफ देखे जा रहा था। तभी विवान ने कहा, अच्छा है आपको ऐसे ही परेशान करना चाहिए था। आर्यन ने कहा, तुम्हारी कोई होगी ना तो पता चलेगा, ऐसे अच्छा मैं पहले था, कम से कम हर वक्त किसी को मनाना तो नहीं पड़ता था, यहाँ तो हर वक्त रूठ जाती है। इतने में विवान ने सामने दिखाते हुए कहा, शांत हो जाओ आ रही है, अगर सुन लिया ना तो आपका क्या होगा तब भगवान ही जाने, इसलिए शांत रहें। ये कहकर वो अपना जूस का ग्लास लेकर पीने लगा। इतने में उसकी नजर उन सबके पीछे आ रही अनाया पर गई। उसने देखा वो रोज के कपड़ों में नहीं थे बल्कि आज वो राजस्थानी लिबास पहने, कानों में झुमके, मांग टीका लगाए सबके साथ आ रही थी। उसकी नजरें उस पर थमसी गईं। आर्यन ने रुद्राक्षी को देखते हुए कहा, जैसे भी है लेकिन मेरी और बहुत खूबसूरत है, राजस्थानी लिबास में तो जैसे कयामत लगती है। विवान ने खोए हुए अंदाज में कहा, सही कहा आपने, राजस्थानी लिबास काफी अच्छा लगता है। ये कहते हुए उसने आर्यन की तरफ देखा तो वो उसे ही देखे जा रहा था। उसने कहा, अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप, मैं तो कह रहा हूँ हाँ भाभी पर राजस्थानी लिबास बहुत अच्छा लगता है, और आप तो पता नहीं क्या सोचे जा रहे हो। ये बोलकर वो आगे चला गया तो आर्यन भी उसके पीछे आया। जानवी शौरी के साथ बैठ गए, सिद्धि सिंह के साथ और श्रेया अनाया के साथ, नीरा जगदीश के साथ खड़ी थी। रुद्राक्षी खाली जगह पर बैठ गई। उसके बाद आर्यन भी उसके पास आकर बैठ गया। रुद्राक्षी उससे मुंह फेरे बैठी हुई थी। बंजारों ने नाचना गाना शुरू किया और सब बैठे उनका गाना सुने जा रहे थे। तभी दो गाड़ियां अंदर आई, सब उस तरफ देखने लगे। वो गाड़ियां आकर रुकी तो वो बंजारों ने गाना बंद कर दिया, बाकी सब भी खड़े होकर देखने लगे। ये देखकर जानवी बोली, अब ये लोग कौन है, कोई और भी आने वाला था। उसके ये कहने पर एक आदमी ने आगे वाली गाड़ी का पीछे वाला डोर खोला तो उसमें से एक आदमी उतरा और उसने अंगड़ाई ली। उसका चेहरा दूसरी तरफ था इसलिए सभी उसे देख नहीं पाए थे। वो आदमी वहां से निकल के गाड़ी के दूसरी तरफ आया। उसे देखकर आर्यन ने कहा, आकाश यहाँ पर, लेकिन ऐसे बिना बताया गया, ये कैसे हुआ। रुद्राक्षी ने कहा,
कौन आकाश? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना है। कौन है ये? माया का भाई। पर यहाँ क्यों आया है? उसके ये कहने पर आकाश उसके पास आया और सबके सामने खड़े होते हुए बोला, हेलो एवरीवन, सॉरी आपकी पार्टी को ऐसे बीच में रोक दिया, लेकिन क्या करूं, अब मैं आया भी तो ऐसे बिना बताए हूँ, तो योर हाइनेस आई एम रियली सॉरी। मुसीबत, बुरी घड़ी, खुशियां, बदकिस्मती, बर्बादी और मौत, ये सब बता के थोड़ी आती हैं। इस पर सिया ने पूछा, इनमें से आप कौन हैं? आकाश ने उसे देखते हुए कहा, वो तो वक्त डिसाइड करेगा कि मैं कौन हूँ आप सबके लिए, पर इस वक्त आर्यन को पता होगा मैं कौन हूँ। क्यों आर्यन प्रताप सिंह जी? उसके ये कहने पर आर्यन ने कहा, तुम यहाँ कैसे? उसके ये कहने पर वो बोला, यार कमाल करते हो, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी बहन मारी गई और मैं इंडिया भी नहीं आता। ये तो मेरी बहन के साथ बड़ी नाइंसाफी होती जो मैं एक भाई होकर नहीं कर सकता, तो बस आ गया तुमसे वोट छीनने जिसकी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हुई। वैसे सुना है वो बहुत खूबसूरत है। अरे बलवाएंगे नहीं, कहाँ है भाभी जी, क्या नाम है उनका? मैं भूल रहा हूँ, रुद्र। तभी रुद्राक्षी आगे आते हुए बोले, रुद्राक्षी आर्यन प्रताप सिंह। उसके ये कहने पर वो उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, वाह कसम से तुमने लड़की तो काफी बढ़िया खोजा है, लेकिन सोचो अगर ये छीन लूं तो? और आप रुद्राक्षी? नाइस नेम, पर बहुत गंदी हैं आप। आप मेरी बहन का प्यार ले गईं और साथ में उसकी जान भी। पर कोई नहीं, कहते हैं ना हिसाब होता है, तो होगा, हिसाब होगा। और देखिए मैं आया हूँ, वैसे आप सब पार्टी एंजॉय करें, बात का माहौल खराब होने वाला है, एंजॉय। ये कहते हुए उसने मुंह में सिगार रखा और उसे जला लिया। इस पर रुद्राक्षी उसकी तरफ बढ़े तो आर्यन उसे रोकने लगा, पर उसने उसे आंखों से इशारा किया और उसके पास आकर उसके मुंह से सिगार निकाल के उसे नीचे फेंका और उसे पैरों से बुझाते हुए बोली, हमारे महल में ये सब अलाउ नहीं है। और हाँ, गलत मैं नहीं, आपकी बहन थी, या ये कहें आपकी बहन भी गलत नहीं थी, गलत आप थे, क्योंकि अगर आपके माँ पापा नहीं थे तो बड़े भाई होने के नाते आपको उन्हें सिखाना चाहिए था, पर आपने ऐसा नहीं किया। आज देखें वो आपके साथ नहीं है, उनकी मौत का दुख हमें भी है, उसके लिए सॉरी। और बाकी आप सोचें आपको क्या करना है, पर यहां से दूर जाकर, ओके? ये बोलकर वो पलटी और आर्यन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। आकाश ने कहा, वाह कमाल का तेवर है, एंजॉय। अब तो वैसे भी मैं यही हूं, मुलाकात होती रहेगी, आप सबको ऐसे परेशान करने के लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मिलते हैं बाद में, बहुत जल्द। ये बोलकर वो वहां से चला गया। रुद्र ने कहा, अब ये क्या नई मुसीबत है, अब ये यहाँ पर? आर्य ने कहा, यह आया है तो चुप तो बैठेगा नहीं, इसलिए इस पर नजर रखनी होगी, ये माया से भी घटिया इंसान है। जानवी ने वापस अपनी जगह पर जाते हुए कहा, उससे भी घटिया कोई हो सकता है, ये बात सोचने की है। उसके बाद पर सब उसे देखने लगे तो वो बोली, बैठो आप सब लोग, ऐसे बहुत से आए और बहुत से गए, ऐसे भी देख लेंगे, और आप सब गाओ। उसके ये कहने पर सब आकर बैठ गए और बंजारों का डांस देखने लगे। रुद्राक्षी ने देखा कि आर्यन कुछ सोचे जा रहा था, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखने लगी, तो आर्यन मुस्कुरा दिया। रुद्राक्षी ने उसके कंधे पर सिर रख लिया और खुद से बोली, इस बार मैं आपके और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी आर्यन जी, मुझे पता है आपने मेरा इंतजार बहुत किया है, मैं एक बेवकूफ की वजह से आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगी, इस बार कुछ नहीं होगा ऐसा। ये कहते हुए उसने उसके बाजू को कस के पकड़ लिया। सुबह का वक्त, माधवगढ़। सब डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठे तो सिया ने कहा, दीदी मैंने पंडित जी से पूछा है कि शादी कब करवा सकते हैं इनकी, और उन्होंने कहा अगले हफ्ते 8 तारीख को उनकी शादी हो सकती है। ये सुनते ही रुद्राक्षी ने कहा, क्या
मतलब सिर्फ एक हफ्ता है? मतलब इतना सारा काम और सिर्फ एक हफ्ता? ये बहुत बुरी बात है। तो आगे कर दें लाडू शादी की डेट। सिद्धि के ये कहने पर रुद्राक्ष ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, जो डेट है उसी पर शादी होगी और उसके अलावा किसी डेट पर नहीं, हम उसी दिन शादी करेंगे। काशी ने कहा, आर्यन के महल में फोन करके बता देना, उसे भी जो तैयारी करनी हो वो कर ले। रुद्राक्ष ने कहा, वो हम बता देंगे, हम जा रहे ना ऑफिस तो बता देंगे उन्हें। तभी एक नौकर आया और वहां खड़े होते हुए बोला, जी अनाया मैडम से कोई मिलने आया है। इतने में आवाज आई, अरे यो अनाया सिंह ठाकुर, कितने से? मारे भाई को जेल में पहुंचा के तू के समझ रही से? तू बच जावेगी, निकल तू। उसके ये कहने पर सब एक साथ हॉल में आए। देखा तो अभिनव और आदित्य खड़े थे। शिवाय और स्नेह की नजर जब अभिनव पर गई तो उन दोनों को गुस्सा आ गया। शिवाय ने कहा, ये यहाँ? लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, कब आया? अभिनव ने कहा, अपनी बेटी से पूछें ये बात, जिसने मुझे 2 दिन जेल में रखा और मुझसे बदला लेने आई है। याद दिलाओ उसे कि ये किससे पंगा ले रही है। आदित्य बोला, महारे भाई को जेल में डालने की थारी हिम्मत कैसे हुई? यो आदित्य राय चौधरी का भाई से तो इसने अंदर करेगी, है कौन तू? अनाया बोली, आदित्य साहब ये बात तो आप अपने इस भाई से पूछें, मेरे बारे में बहुत अच्छे से बता सकता है आपका ये भाई। क्यों अभिनव साहब? अरे अब एक रात बिताई है, इतना तो हमारे बारे में पता ही होगा। पर कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हारे भाई को तड़पा के मारूंगी। नहीं, बस उससे सब लेकर उसे तड़पता हुआ छोड़ के चली जाऊंगी, उसे उसकी औकात दिखाने वाली। वैसे मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ ये तो आपने देख लिया होगा आदित्य साहब और अभिनव जी, पर अभी रुकें, अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ बाकी है, रुकें अभी। आदित्य बोला, तू 2 टके की लड़की तुम्हारे भाई को अंदर करेगी? हुकुम साह, तुम सब देख रहे हो ना, जज साहिबा तुम तो बड़ा अदालत में इंसाफ कानून की बात करा करो, यो देखो सामने खड़ी होकर जो छोरी धमकी दे रही है, इबना कहेंगे आप दोनों कुछ? बोलो के बोलना चाहोगे? उसके ये कहने पर काशी बोली, शुक्र मनाएं आप आदित्य राय चौधरी साहब कि हमारी बेटी ने सिर्फ धमकी दी और कानूनी तरीके से सब किया, क्योंकि आपके भाई ने जो किया है अगर वो कोर्ट तक आता और मेरी कोर्ट में, तो मैं फांसी के नहीं इसे वो सजा देती जिसके बाद हर गुनहगार वो गुनाह करते हुए 100 बार सोचता जिसे करने से पहले आपके भाई ने नहीं सोचा। वैसे भी जो हुआ है वो कानून के दायरे में रहकर हुआ है, जिसके चलते मैं कुछ नहीं कह सकती। आपके भाई ने हम सबके सामने इस पर हाथ उठाया और पुलिस उसे इस जुर्म के लिए जेल ले गई, इसमें बुरा क्या है? आदित्य ने कहा, सही गलत की बात थम तो रहने ही दो, देख रहा हूं मैं कैसे जज बनी हो थम इस वक्त, पर यो ना समझना कि मैं चुप बैठूंगा, मैं अपने भाई के साथ हुए इस चीज का बदला लूंगा, यो थम सब समझ लो। तभी रुद्राक्षी ने आगे आते हुए कहा, ठीक है अगर आपको इंसाफ की ही इतनी तलब है आदित्य साहब, तो इंसाफ हो जाए, हम केस फाइल करवा देते। क्यों अभिनव साहब? लड़की केस देख लेते हैं, कौन गुनहगार है और कौन नहीं। और हाँ, ये कनाडा नहीं है और यहाँ तुम्हारा आदमी भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा राजस्थान से। आदित्य साहब, हमारे राजस्थान ने कभी कोड़ी नाइंसाफी की है? तो देख लो थम। क्या हो गया साहब, आप तो सोच में पड़ गए। आदित्य साहब, दहाड़ने से पहले देख लेना चाहिए कि आप शेर हैं या जिसके साथ आप खड़े हैं वो शेर है या नहीं, क्योंकि सामने वाला अपनी पर आया तो आप सोच नहीं सकते क्या होगा, इसलिए अच्छा होगा अपने भाई को लें और निकले यहाँ से। शिवाय ने कहा, और हाँ बचा के रख अपने भाई को, वरना मेरे हत्थे लगा तो मैं इसकी जान ले लूंगा और उसके बाद लाश ही रहेगी तेरे पास, ले जाए इसे। आदित्य सबको देखते हुए अभिनव को वहां से लेकर चला गया। उसके जाने के बाद शिवाय और स्नेह दोनों ही अनाया को देखने लगे। आदित्य के जाने के बाद जब शिवाय और स्नेह ने अनाया को देखा
तो उसने नजरें चुराते हुए कहा, चलें ब्रेकफास्ट पूरा कर लें। ये कहकर वो जाने लगी तो शिवाय ने कहा, रुकें। अनाया आंखों को बंद करते हुए दांतों को भींचते हुए उसकी तरफ मुड़ी और देखने लगी। शिवाय ने उससे पूछा, ये सब क्या है अनाया? आप यहाँ ये सब क्या कर रही हैं? हमें लगा आप खुद के लिए इंडिया आ रही हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ आना अलाउ किया, लेकिन आप तो कोई और ही काम करने आई हैं यहाँ पर। आपको पता है ना वो आदमी कैसा है, उसके बाद भी आप यहाँ आई और ये सब कर दिया, क्यों बेटा? क्योंकि मुझे उस इंसान को सबक सिखाना था, उसे बताना था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी मैं वो अनाया नहीं हूँ पापा, जो किसी पर भी भरोसा कर लेती थी और बहुत सहम जाती थी। अब की अनाया कुछ और ही है। इतनी आसानी से मैं इस अभिनव को छोड़ने से रही, मैं उसे हर दर्द दूंगी जो उसने सोचा भी नहीं होगा। अब इस बार फैसला मैं करूंगी, ना कि अदालत। और मैंने ये फैसला किया है कि इस बार दोषी जो भी हो, सजा उसे ही मिलेगी, मुझे नहीं या माँ को नहीं। मेरी वजह से मेरी माँ को कोई सजा नहीं मिलेगी, ना आपकी तरफ से ना किसी और की तरफ से। उसके ये कहने पर स्नेह और शिवाय उसे हैरानी से देखने लगे तो वो बोली, ऐसे मत देखे मुझे, मुझे सब पता है। आप दोनों के बीच की ये खामोशी और ये जो बेरुखी है एक दूसरे के लिए, मुझे सब पता है। आप ये मानते हैं कि मेरी माँ की वजह से ये हुआ, तो ये आपकी गलती है। आप यहाँ गलत हैं पापा, क्योंकि माँ माँ होती है। जिस तरह से आपने मुझे अभिनव के लिए समझाया था, वैसे ही माँ ने भी समझाया था, पर गलती मेरी थी, मैं ही नहीं समझ पाई उस बेकार इंसान को। इसमें माँ की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बिना गुनाह के सजा काट रही हैं। पर अब बस माँ की गलती नहीं है, ये बात आप जान ले। मैं बस आप दोनों को पहले की तरह देखना चाहती हूँ। आप माँ से माफी मांगे या नहीं, लेकिन माँ दोषी नहीं है, ये आप जान ले। जितनी जल्दी आप ये समझेंगे उतना ही ठीक होगा, वरना मैं अनाया सिंह ठाकुर वादा करती हूँ, ये सब होने के बाद मैं अपनी माँ को आपसे बहुत दूर ले जाऊंगी, जहाँ आपकी बातें उसके कानों में तीरों की तरह नाजुब है। बहुत सुना है माँ ने, पर अब नहीं। ये बोलकर वो स्नेह का हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल के पास ले आई। शिवाय वहां खड़ा ये सब देखे जा रहा था। काशी ने उससे कहा, अनाया जो कह रही है वो सही है शिवाय, आपने स्नेह को उस गलती की सजा दी है जो उसने कभी की ही नहीं थी। आपको एक बार तो इस बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली गई। इधर आर्यन अपने ऑफिस में आ गया था। वो बैठा कुछ लोगों से बात कर रहा था। इतने में रुद्राक्षी बिना देखे अंदर आते हुए बोली, राजा साहब खुशखबरी, हाय इतना अच्छा दिन है कि पूछो मत, मतलब आज मन कर रहा है मैं आपके गालों को चूम लूं। ये कहते हुए वो उसके पास आकर बिना देखे बस उसके चेहरे को पकड़ के चूमने ही जा रही थी कि आर्यन ने उसका चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। और रुद्राक्षी ये देख कर हैरानी से आंखों को फाड़े हुए कभी आर्यन को और कभी उन्हें देख रही थी। वो दूर हटी और टेबल के नीचे छुप गई अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर। आर्यन ने उन सबको जाने के लिए कहा तो वो सब बाहर चले गए। उनके जाने के बाद आर्यन ने रुद्राक्षी से कहा, आ जाए राजकुमारी बाहर, सब चले गए। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने चेहरे से हाथ उठाया और रोनी सूरत बना के बोली, हाय राम, क्या सोच रहे होंगे वो सब, वो सब मुझे कैसी पागल लड़की समझ रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कैसी झल्ली लड़की है, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, कितना गलत समझ रहे होंगे वो सब मुझे। हे महादेव, हर बार मेरे साथ क्यों होता है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे संभाल के बाहर निकालते हुए बोला, आप पहले इधर आओ और कोई क्या सोचता है उसके बारे में मत सोचो, आपके पति का ऑफिस है, आप कैसे भी आ सकते हैं, वैसे आप इतना खुश क्यों थी। ये कहते हुए उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। रुद्राक्षी ने कहा, वो हमारी शादी की डेट निकल गई, 8 को है, यही बताने में आपके पास आ रही थी और ये सब हो गया। मैं भी ना एक काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ, ना जाने मेरा क्या होगा। ये सुनकर आर्यन ने कहा, मुझसे शादी होगी और क्या। नहीं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, उसके बाद तारीख नहीं मिलेगी और आपके साथ शादी के लिए मैं इतना वेट नहीं कर सकती। उसके ये कहने पर आर्यन ने उसके गालों को चूम के कहा,
अच्छा, वैसे आज आपका काम करने का मूड है या नहीं? है, क्यों नहीं है? और अब मैं जा रही हूँ, और अब आप भी काम करें, बाय। ये बोलकर वो चली गई। आर्यन मुस्कुराते हुए काम में लग गया। शाम का वक्त, मॉल। अनाया श्रेया जानवी और सिद्धि के साथ मॉल में बैठी हुई थी और रुद्राक्षी का वेट कर रही थी। जानवी ने कहा, कब तक आएगी ये लड़की? एक तो वैसे भी इस लड़की का कुछ नहीं पता, जब देखो उसका दिमाग घुमा रहता है, कुछ भी कर देती है लड़की। अरे बताओ, खुद का मूड बना तो शॉपिंग करने निकल ले, ये कोई बात होती है? उसके ये कहने पर श्रेया ने कहा, बेचारे आर्यन जी की सोचो, जो उस पागल को अपने गले में जीवन भर के लिए बांध रहे हैं, उनकी हालत तो खराब ही हो जाएगी। तभी उन्हें रुद्राक्षी आते हुए दिखाई दी। वो पास आकर बोली, सॉरी सबको, वो एक मीटिंग थी ना, इसलिए लेट हो गए। सिद्धि ने कहा, पर तुमने बुलाया क्यों है? ऐसा क्या हो गया जो तुमने इस वक्त हम सबको बुलाया? रुद्राक्षी ने कहा, शॉपिंग करेंगे, मैंने भी आप सबकी शादी में शॉपिंग करा था, इसलिए इस बार आप सब करें, और जल्दी चलो, मुझे तो बहुत कुछ लेना है। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, पहले क्या लें, मेहंदी के कपड़े या हल्दी के? ये कहते हुए वो आगे आगे चलने लगी तो अनाया ने कहा, पहली दुल्हन जो अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड है। अरे ये तो सब कुछ लेकर एक्साइटेड हो जाती है, फिर ये तो उसकी खुद की शादी है, चलो, नहीं तो अभी बोलेगी कहाँ रह गए। ये बोलकर जानवी उन सबके साथ रुद्राक्षी के पास आ गई। रुद्राक्षी पहले हल्दी की ड्रेस लेती है, उसके बाद मेहंदी की, उसके बाद वो साड़ी के दुकान में जाती है, वहां से साड़ियां लेकर वो राजस्थानी लहंगे लेती है। अनाया ने भी अपने लिए बहुत कुछ ले लिया था, सिद्धि भी अपने लिए कुछ न कुछ ले रही थी। उसके बाद सब रेस्टोरेंट में गए और ऑर्डर देकर बैठकर बातें करने लगे। ऑर्डर आने पर सबने खाया और वहां से निकल के पार्किंग में आए। वहां गाड़ी में सबने सामान रखा और बैठने को हुए तो उन्होंने देखा सामने आकाश खड़ा था और उन्हें देखे जा रहा था। उसने सबको देखकर कहा, क्या बात है, लगता है राजस्थान की सारी ब्यूटी शॉपिंग पर आई थी, पर आप सबको आने की क्या जरूरत थी? आप सब कॉल करते, आपके तो महल में ही सब आ जाता, आप सबको तकलीफ नहीं होती? इस पर रुद्राक्षी ने कहा, तकलीफ हमें वैसे भी नहीं होती, क्योंकि इतने नाजुक हम हैं नहीं, प्लीज साइड होंगे आप, हमें गाड़ी निकालनी है। ये बोलकर वो सबके साथ बैठने लगी तो आकाश ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, चली जाना, सुना है आप सब ब्यूटीज होने के साथ साथ लड़ती भी बहुत कमाल की हैं, इज इट ट्रू? अगर हाँ तो मैं देखना चाहता हूँ कैसे दो चीजें एक साथ होती हैं, कभी खूबसूरत और कभी खूंखार, लड़कियों में ये चीज साथ नहीं देखा। देखिए आप सब में दोनों है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। इस पर सिद्धि ने कहा, अकेले पिटने का इतना शौक है आपको, पता नहीं था, चलो अच्छी बात है। इस पर वो बोला, अजी शेर है, शेरनियों से लड़ने का शौक तो हमें जवानी में ही हो गया था, तो देखें कितनी हिम्मत है आप सब में। ये कहते हुए उसने अपना कोट उतारा और अपने असिस्टेंट को दिया और सिगार भी उसे पकड़ा दी। टाई ढीली कर उसने बाजू को फोल्ड करते हुए कहा, तो आप सब एक साथ लड़ेंगे या एक एक करके आएंगे? पांचों ने एक दूसरे को देखा तो आकाश ने कहा, प्लीज इतना वक्त नहीं है, तो डिसाइड जल्दी करें, कहीं आप सब डर तो नहीं गए? ओह माय गॉड, मतलब एक बनारस की शेरनी, एक बनारस के शेर की बेटी और बाकी राजस्थान की शेरनी, और रुद्राक्षी जी तो डरपोक है ना? वैसे सुना है ये लड़ने से बहुत भागती हैं, इसलिए आज तक लड़ाई नहीं सीखी है। वैसे इन्हें मैं छोड़ देता हूँ, बाकी आप सब आजमा सकते हैं। उसके ये कहने पर सिद्धि ने कहा, जिसे आपने कमजोर कहा है तो आज उसे ही आजमाने दें आपको, देखें आप उसे कितनी चोट पहुंचा सकते हैं। क्यों रुद्राक्षी, सही कहा ना मैंने? वैसे आप पहले रुद्राक्षी से लड़े और उससे जीत गए तो हम हैं ही बनारस की शेरनी, आपके गुरूर को तोड़ने के लिए आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये बोलकर उसने रुद्राक्षी की तरफ देखा तो रुद्राक्षी ने गाड़ी का डोर बंद किया और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांगते हुए वो आगे आई। उसने अपने बालों को पकड़ा और जूड़ा बना के खड़ी हो गई। उसने मन में कहा, महादेव मुझे नहीं पता मुझे कितना याद है, बस इतना पता है मुझे लड़ना सिखाया है मेरे नाना जी ने, आज मेरे साथ उनकी भी लाज रखना, आपको माता पार्वती की कसम। ये बोलकर वो आगे बढ़ी और उसने उसे मारा
तो आकाश नीचे झुका और उसने रुद्राक्षी के पीठ पर जोर से मारा। रुद्राक्षी जाकर गाड़ी पर गिरी। ये देखकर जानवी, श्रेया, अनाया तीनों उस तरफ जाने लगे तो सिद्धि ने कहा, रुक जाओ, इस वक्त वो लड़ेगी। सहारा ही देना होता तो हम सबसे पहले जाते, लेकिन हमें अपनी शेरनी पर पूरा भरोसा है। हम सब ने उन्हें बताया है कि उसे लड़ना उनके नाना ने सिखाया है। देखें कितना लड़ सकती हैं। वैसे भी अपनी शेरनी हारेगी नहीं इस लकड़बग्घे के आगे। उसके ये कहने पर तीनों रुक गए। कम ऑन रुद्राक्षी जी, आपसे बहुत उम्मीद है इन सबको। आप तो सबकी उम्मीद तोड़ रही हैं। क्या बताएंगे आप अपने आरण जी को कि आप उसके दुश्मन से मार खा गए? बहुत बेइज्जती होगी। और वैसे भी इस वक्त मुझे आपको बस झुके हुए देखना है और आपके घर वालों को बताना है कि कैसे उनकी शेरनी को मैंने झुका दिया, उनकी कमजोर शेरनी को। उसके ये कहते ही रुद्राक्षी पलटी और एक जोरदार घूसा उसके मुंह पर मारा। उसका घूसा पड़ते ही आकाश जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर वो गुस्से में उठा और उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया और उसके गर्दन को कसके दबाकर बोला, मैं आकाश हूँ जिसे आज तक किसी ने नहीं झुकाया है और ना झुका सकता है। तुम जैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं, समझी? ये बोलकर उसने हाथ उठाया तो रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी दूसरी कोहनी से मारा, जिससे आकाश ने उसे छोड़ दिया। आकाश ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा तो उसने उसे गाड़ी में से एक हॉकी स्टिक दी तो उसने उससे वार किया, पर रुद्राक्षी ने उसे पकड़ के एक लात मारी और स्टिक छीन के उसके पीठ पर मारा। आकाश मार खाते हुए जमीन पर गिर गया था। रुद्राक्षी ने स्टिक दूर फेंका और उसके असिस्टेंट के पास जाकर उससे सिगार लेकर आकाश के पास आई और उसे गाड़ी से लगा के बैठाया और उसके मुंह में सिगार देकर बोली, मैं अंत हूँ, मैं आरंभ हूँ, सवाल हूँ, जवाब हूँ, मैं शेरनी की दहाड़ हूँ। मुझे समझ ना सके मैं ऐसी पहेली हूँ। अगली बार लड़ने से पहले ये सोचना कि लड़की से नहीं, महाकाली के किसी एक रूप से लड़ने जा रहे हो, क्योंकि कब कमजोर लड़की में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो तुम्हें फाड़ के तुम्हारे चीथड़े कर दे, ये तुम जान भी ना सको। सिगार पियो, ऐसे क्या पता अगली बार तुम्हें सोचने में आराम हो, कुछ करने में आराम हो। उसके ये कहने पर चारों उसके पास आए और सिद्धि ने कहा, वैसे आप कम जानकारी लेकर आ गए आकाश जी। हमारी रुद्राक्षी को लड़ना यहाँ के बड़े हुकुमशाह ने सिखाया है, जिन्हें राजस्थान के शेर के नाम से जाना जाता है। आप तो एक लड़की से हार गए, पर कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी चलते हैं। और हाँ सुनो असिस्टेंट साहब, यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना और हमारा नाम ले लेना, फ्री में इलाज होगा, ओके? ये कहकर वो सबके साथ जाने लगी तो श्रेया ने रुककर कहा, अरे हाँ असिस्टेंट साहब, अपने मालिक को बताओ ये जरा यहाँ आराम से रहें, क्योंकि ये लंदन नहीं राजस्थान है। आकाश साहब, यहाँ आकाश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ की रेत की आंधी भी उसे ढक देती है। उस वक्त उसकी औकात हमारे ये राजस्थान की मिट्टी दिखा देती है, तो जरा संभल के। वैसे हाँ आप जाएं, इलाज कराएं, अगली बार लड़ना हो तो बता देना, हम सब आएंगे लड़ने। ये बोलकर वो हंसते हुए सबके साथ गाड़ी के पास आए। आकाश ने सिगार का एक कश लिया और उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। उसके असिस्टेंट ने कहा, सर आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं? आकाश ने उठते हुए कहा, पहली बार कोई हमसे ऐसे टकरा रहा है, मजा आया। उसे उठते हुए देखकर उसका असिस्टेंट आगे बढ़ने लगा तो उसने हाथ दिखा के मना कर दिया। आकाश गाड़ी तक आया और उससे बोला, इस लड़की को उसकी औकात तो मैं दिखाऊंगा, बट आई लाइक हर स्ट्रेंथ। कमाल का लड़ती है और कमाल का बोलती है। कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां बताओ, हम भी चाहते हैं। ये कहते हुए वो गाड़ी में बैठा और उसका ड्राइवर उसे वहां से ले गया। जब सिद्धि सबके साथ महल आए तो उसने सबसे कहा, कोई कुछ नहीं बताएगा किसी को। जानवी ने कहा, और ये जो चोट आई है इसे उसका क्या करेंगे भाभी, सबको देखते ही पता चल जाएगा कि ये लड़ी है। श्रेया ने कहा,
अरे इसका क्या है, ये तो जब देखो गिरती पड़ती रहती है। बोल देंगे मॉल की सीढ़ियों से गिर गई, बहुत एक्साइटेड हो रही थी शादी को लेकर। वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा 2-4 खरोच है, वो तो ऐसे ही छुप जाएंगे। चलो अब, अनाया ने कहा। हाँ ये सब संभाल लेंगे हम, और वैसे भी क्या पता अभी इस वक्त कोई सामने पड़े ही नहीं, चलो जल्दी। उसके ये कहने पर पांचों जल्दी से महल के अंदर गईं। उन्होंने देखा वहां कोई नहीं था तो वो पांचों जल्दी से अपने अपने कमरे में चली गईं। रात का वक्त, माधवगढ़। पांचों बैठी बगीचे में आम खा रही थी। सिद्धि ने कहा, वैसे क्या सच में ये आकाश सिर्फ हमें आजमाने आया था या फिर बात कुछ और है? मुझे कुछ तो बात अलग लग रही है, आप सब क्या कहते हैं? इस पर जानवी ने कहा, अरे बात अलग ही है भाभी, वो आजमाने नहीं लात खाने आया था, खा लिया अभी शांत है, देखो चला गया। अगली बार फिर सिर घूमा उसका तो आए, हम सब मिल के देंगे उसे। साला एक तो अच्छा खासा शॉपिंग करके निकल रहे थे तो उसे लड़ना याद आया। ये पक्का माया का भाई है, इस साले का डीएनए टेस्ट मत करवाना, जरूरत नहीं है, इसकी हरकतें बता रही है ये उस माया का भाई है, श्रेया ने कहा। हाँ देखा नहीं, आते ही कल रात सबसे पहले यहाँ आया और आज मॉल की पार्किंग पर आ गया। अजीब बात यह कि उसने कुछ बोला नहीं, इतना मार खाया लेकिन मुंह से कुछ नहीं फूटा उसने, ऐसा क्यों? अनाया ने आम खाते हुए कहा, मुंह इस लायक छोड़ा भी था रुद्राक्षी ने जो बोल सके, अरे इतना पीटा है उसे कि वो 2-4 हफ्ते कुछ ना कहे। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी तो बाकी सब हंसते। सुबह का वक्त, माधवगढ़। सिद्धि सबके साथ हॉल में बैठी थी, सब अपने कमरे में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तभी जगदीश आते हुए बोला, दीदी बनारस से फोन है। ये कहते हुए उसने फोन दे दिया। सिद्धि ने फोन ले लिया और बोली, हाँ बोलो। उधर से किसी ने कुछ कहा तो सिद्धि ने कहा, हम बस शाम तक पहुंच रहे हैं, आने पर जवाब तैयार रखना, अगर नहीं रहा तो याद रखना क्या होगा। ये बोलकर उसने फोन जगदीश को दिया और उससे बोली, जाने की तैयारी करो, हम बनारस के लिए निकल रहे हैं। उसके ये कहने पर काशी ने कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे अचानक से बनारस? मासा वो कुछ काम आ गया है इसलिए जाना होगा, हम शादी से पहले आने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके ये कहते ही शिव भी आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? सिद्धि ने कहा, साहब हम आज बनारस जा रहे हैं, कुछ काम आ गया है। ऐसे अचानक? नहीं कोई जरूरत नहीं है, लाडू की शादी है उसके लिए बहुत सारा काम है और मैं भी फ्री नहीं हूँ जो आपके साथ चल सकूं, आप अभी रहने दो बाद में चले जाना। शिव के ये कहने पर वो बोले, सॉरी साहब पर इस बार नहीं, मुझे जाना होगा, हम कुछ वक्त में यहाँ से निकल जाएंगे, आप अपना काम देखें, जैसे हमारा काम हो जाएगा हम यहाँ पर आ जाएंगे, तब तक शायद लाडू की शादी नजदीक हो, पर हाँ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो भी चाहिए बोल देना, हम वहां से लेकर आएंगे। शिव ने कहा, तो ठीक है आप रेडी हो जाओ, हम आपको एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। उसके कहने पर सिद्धि कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो साड़ी पहनकर और अपना सामान लेकर आई, तभी शिवाय और स्नेह भी आए उसके साथ। शिवाय ने कहा, हम भी बनारस जा रहे हैं, आए हैं तो सोच रहे हैं जाकर घर देखाएं और गांव वाला घर भी एक बार देख लें, अगर कुछ करवाना हो तो उसे ठीक करवा लेंगे। आप चलोगे अनाया अपना घर देखने? हम बाद में आ जाएंगे पापा, अभी कुछ काम है वो कर लें उसके बाद। अच्छा तो अपना ख्याल रखो, हम आते हैं कुछ दिनों में। ये कहते हुए स्नेह ने उसका माथा चूमा और वहां से शिव सिद्धि के साथ निकल गए। शिव सिद्धि के साथ एयरपोर्ट आया, उसने जगदीश रामू से कहा, आप दोनों दीदी का ख्याल रखना और कुछ भी हो मुझे बता देना, और देखो इस वक्त सुरेश और रमेश दोनों ही बनारस में हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे वो दोनों, इसलिए उन पर ध्यान रखना, अगर कुछ भी गलत लगे तो बताना हम आ जाएंगे। तभी सिद्धि आते हुए बोली, कहाँ आ जाएंगे आप साहब? उसके ये कहने पर वो बोला, कहीं नहीं, आप अपना ख्याल रखना और जल्दी आने का देखना, मैं आपके बिना ज्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा। ये कहते हुए उसने उसके माथे को चूमा और सिद्धि अपना सामान लेकर वहां से चली गई। शिव अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम का वक्त, बनारस। सिद्धि बनारस पहुंची तो शिवाय और स्नेह को लेने बिरजू ठाकुर का पुराना आदमी चुन्नी आया था।
जो इस वक्त सारी प्रॉपर्टी को देखता था। बिरजू ठाकुर और उसकी पत्नी के जाने के बाद शिवायत ने उसे सब सौंप के यहाँ से चले गए थे। चुन्नी उतने ही प्यार से सारी प्रॉपर्टी देखता था जितने प्यार से शिवायत। शिवायत चुन्नी के साथ हवेली चला गया। सिद्धि जगदीश को लेने के लिए उसके आदमी लोग आए थे और वो वहां से अपने ऑफिस गई। वहां पर जाकर देखा तो बहुत भीड़ जमा थी। सिद्धि ने निकलते हुए कहा, काव्य त्रिपाठी, तुम तो बोल रहे थे काफी कंट्रोल में है सब, ये कंट्रोल है तुम्हारा? लगता है हमारे जाने के बाद दारू पीने के अलावा कुछ नहीं किया तुम सबने। अब ऐसे ही खड़े रहोगे या रास्ता साफ करवाओगे कि हम अंदर जाएं? उसके ये कहने पर त्रिपाठी ने अपने आदमियों को देखा। उन्होंने जल्दी सबको हटाया। वहां पर मीडिया भी खड़ी थी। सिद्धि हाथ जोड़े आगे बढ़ रही थी। वो जब ऑफिस के अंदर जाने लगी तो भीड़ में से निकल के एक मीडिया वाले ने पूछा, अरे मैडम जी, ऐसे चुपचाप जाने से कुछ नहीं होगा, जवाब देना होगा, इतने लोगों की जान गई है, अरे आप ऐसे खामोश कैसे रह सकती हैं? आप तो बस एमएलए की कुर्सी ले ली और शादी करके जाकर शादी के मजे ले रही हैं। यहाँ इतने लोगों की जान चली गई और आप इनकी बस हाथ जोड़ के निकल रही हैं। क्या फर्ज निभाई है आप एमएलए होने का? और आपको तो बनारस का कर्ता धरता माना जाता है। क्या किया आपने इन सब के लिए? सरकार ने आपको पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ना कि लोगों की जान लेने का। आपने तो ऐसा पुल बनाया कि पूरे 50 लोग मारे गए। उनके घर वालों के बारे में सोचे, कौन देगा भरपाई? उसके ये कहने पर सिद्धि मुड़ी और उसके सामने खड़ी होकर एक हाथ उठा दी तो सारी भीड़ खामोश हो गई। उसने उस आदमी के गले में लटके आईडी कार्ड को पढ़ते हुए कहा, संवाददाता आशीष चौबे। तो चौबे साहब, आपने देखा था हमें पुल बनवाते हुए? उसने अपने आप को उसके सामने खड़े करते हुए कहा, जी नहीं। कहा, हमने सरिया चढ़ाई थी? सिद्धि के पूछने पर उसने ना कहा तो बोले, तो जब हमने पुल नहीं बनाया तो कैसे कह सकते हुए कि हमने मारा है? अच्छा बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने से क्या होता है, बताओ जरा। अरे कॉन्ट्रैक्ट तो माँ बाप को भी बच्चों को अच्छी परवरिश देने की होती है, पर क्या हर माँ बाप दे पाते हैं? ना ही बेटा। काहे? उइले लाने, क्योंकि गलती माँ बाप की नहीं बेटवा की होती है। वो अगर ढीठ हो तो कौन का कर सकता है? पर हाँ, हम आप सबको एक वादा जरूर करेंगे, जिसने हमरे कंधे पर ही बंदूक रख के चलाया है, कसम महादेव की गंगा की, हम उसको गंगा में डुबो के मारेंगे। और उसके लिए आशीष चौबे साहब, आप सब लोग कुछ वक्त दें, क्योंकि हमें भी सब देखना है, समझना है, तभी ना आप सबके गुनहगार को आपके सामने ला पाएंगे। ये कहकर वो जाने लगी तो दूसरे मीडिया वाले ने कहा, वैसे दूसरी बार कुर्सी मिलते ही आप ही चाचा जी सुरेश जी की तरह निकली, जो अपनों की जान ले लेते हैं और खामोशी से सब देखते हैं। आखिर किया तो आपने भी यही। उसके ये कहने पर वो बोली, प्रेस वालों को बहुत नाराजगी है हमसे और बहुत से सवाल, पर वादा करते हैं आप सबके सवाल के जवाब मैं जरूर दूंगी, और जो आपने कहा वो मैं गलत साबित करके दिखाऊंगी। तो अपने अखबार में जाकर लिखें, मैं बस 3 दिन में आप सबके सामने उस गुनहगार को लेकर आऊंगी जिसकी वजह से ये हुआ है। और हाँ, ये बात याद रखो, उसके पहले आप सब भी खामोश हो जाओ कुछ वक्त के लिए। चलिए, जय महाकाल। ये कहकर वो अंदर चली गई। बाकी सभी वहां से चले गए। सिद्धि अंदर आई और सबकी तरफ देखने लगी। उसने त्रिपाठी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम खुद बोलोगे या फिर हम बुलवाएं? बताओ भी हुआ कैसे इतना बड़ा कांड? क्योंकि हमने तुमसे कहा था कि ये जो काम है इसमें गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो सोचेंगे नहीं तुम्हें मारने से पहले। फिर कैसे इतनी बड़ी गलती हुई, कैसे वो पुल टूटा? अरे फूटो बे, त्रिपाठी ने डरते हुए कहा। मैडम, हमने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, और हमने तो मटेरियल भी चेक किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था, पर ना जाने कैसे वो पुल टूट गया, हमको नहीं पता। देखो बेटा, हम यहाँ थे नहीं, लेकिन ये मत सोचो तुम हमसे कुछ छुपा सकोगे, क्योंकि ये हम होने नहीं देंगे। हम अब चल रहे हैं खुद से पता करने, अगर तुम्हें जरा सा भी कुछ पता है तो हमें बताओ, नहीं तो अगर बाद में पता चला तो कसम गंगा मैया की, तुम्हें घाट पर पटक पटक के धो डालेंगे।
सिद्धि के ऐसे हड़काने पर त्रिपाठी का आदमी बोला, मैडम जी ओ रमेश जी, जब पुल बन रहा था तो आए धमकी देकर गए थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं मिला तो बोले जो हमें नहीं मिला वो तुम्हारी मैडम का भी नहीं होने देंगे, इसके लिए बहुत भरपाई भरनी पड़ेगी। हमें लगता है कहीं उन्होंने तो नहीं किया। उसके ये कहने पर सिद्धि ने कहा, तो इसे बताने में लाज आ रही थी का? जगदीश चलो वहां पर देखें, क्योंकि मैं ऐसे बस नहीं जा सकती रमेश को गिरफ्तार करने। मैं इस बार पक्के सबूत के साथ जाऊंगी और इस बार उसे भागने का मौका नहीं दूंगी। उस पर नजर रखो। ये कहकर वो बाहर आई और गाड़ी में बैठकर निकल गई। उसके जाने के बाद त्रिपाठी ने किसी को फोन किया और उससे बोला, मैडम जी आ गई हैं और खुद उस पुल को देखने गई हैं। हमको बहुत डर लग रहा है साहब, कहीं आपका साथ देने के चक्कर में हम ना फंस जाएं। उसके ये कहने पर उधर से सुरेश की आवाज आई और उसने कहा, अरे इतना काहे डर रहे हो बे, अभी हम हैं, तुम बस ऐश करो, हमें ना देख लेंगे इस लड़की को। वैसे भी सारा सबूत तो हमने मिटा दिया है, कहां से सबूत लेकर आएगी कि ये सब हमने किया है? इसमें तुम चिंता मत करना, तुम्हारा पैसा घर पहुंच गया है तुम्हारे, जाओ मजे करो। ये कहकर उसने फोन रख दिया। सुबह का वक्त, माधवगढ़। रुद्राक्षी रेडी होकर आई तो देखा सब बैठे हुए थे। उसने कहा, भैया कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे, कहीं उन्हें उठाना भूल तो नहीं गए? भाभी भी नहीं है तो क्या पता वो उठे ही ना हो। इस पर श्रेया ने कहा, अरे वो कब के गए, आज उन्हें ऑफिस में काम था तो वो जल्दी चले गए। और तुम कहाँ जा रही हो, शादी नजदीक आ रही है तुम्हारी? रुद्राक्षी बोली, पता है मुझे, पर अभी पूरे 5 दिन है, इसलिए डोंट वरी, मैं आज और कल जाऊंगी ऑफिस, उसके बाद नहीं जाऊंगी। वैसे भाभी से बात हुई, वो पहुंच गई ठीक से? अनाया ने कहा, हाँ हमने पापा माँ से बात किया था तो उन्होंने बताया वो सब ठीक से पहुंच गए थे। आओ नाश्ता कर लो, आज मैं आपको ऑफिस छोड़ दूंगी और मुझे भी एक जगह जाना है तो मैं चली जाऊंगी। ये बोलकर वो उठी और अपने कमरे में चली गई। रुद्राक्षी ने नाश्ता किया और अनाया के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। अनाया ने रुद्राक्षी को उसके ऑफिस छोड़ा और वहां से एक जगह पर आई। देखने से लग रहा था कि वो किसी का ऑफिस था। जब वो निकली तो दो लोगों ने उसे बुके दिया और अंदर चलने के लिए कहा। अनाया उन सबके साथ अंदर आई और एक बहुत ही खूबसूरत से ऑफिस में आकर खड़ी हो गई। उसने पूरे ऑफिस को देखते हुए कहा, तो फाइनली ये ऑफिस मेरा है, मैं इसकी नई सीईओ हुई, पुराने सीईओ को हटा के। ये बोलकर उसने बुके टेबल पर रखा और चेयर पर बैठ गई। वहां बहुत से लोगों ने उसे फूल दिए और वेलकम कर साइड खड़े हो गए। तभी हाथ में लिफाफा लेकर गुस्से में अभिनव अंदर आया। उसने लिफाफे को अनाया के सामने फेंकते हुए कहा, ये क्या है, तुमने क्या भेजा है? अनाया ने लिफाफा देखते हुए कहा, ओ ये तो आपको इस ऑफिस से निकाल के फेंकने का लेटर है, आपको दिखाई नहीं देता या आप अनपढ़ हैं अभिनव साहब? इसमें साफ साफ लिखा है, मैंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है और उसका सारा कर्ज मैंने भरा है, तो इस नाते ये ऑफिस मेरा हुआ, मैं इसकी नई मालकिन हुई, नई सीईओ। वैसे अच्छी लग रही हूं ना मैं इस कुर्सी पर बैठी? ये कहते हुए वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव ने टेबल पर रखी चीजों को उठाकर फेंक दिया और अनाया की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझसे मेरा ऑफिस छीना है, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। वो अनाया के पास पहुंचता उससे पहले ही अनाया के बॉडीगार्ड आए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। अनाया उठी और उसके सामने खड़े होकर कहा, आपने शायद मेरी बात को बहुत लाइटली ले लिया अभिनव राय चौधरी, मैंने कहा था मैं तुम्हें मौत जैसी जिंदगी देने आई हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा सब छीनने आई हूँ, और देखो मैं वो कर रही हूँ, पर देखो तुम कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे कहते गेम ऑफ कर्मा, तुमने जो किया वो तुम्हें वापस मिल रहा है, मैं इसमें सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक कमजोर डरपोक झुकी हुई हारी हुई और नाजुक सी लड़की हूँ, मेरे पास कहाँ हिम्मत है कि मैं आप जैसे इंसान से लड़ सकूं, ये सब आपके कर्म हैं जो आपको लौटा रहे हैं। वैसे चलें, शाम को मिलते हैं, आराम से बात करेंगे, मेरे पास अभी मेरे नए ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए बाय।
ले जाकर बाहर फेंक दो। ये बोलकर वो चेयर पर बैठ गई। अभिनव उसे बुरा भला कहते हुए बाहर चला गया बॉडीगार्ड के साथ। इधर बनारस में सिद्धि पुल के एरिया के आसपास छानबीन करवा रही थी। जगदीश ने कहा, दीदी वैसे एक बात बोलें। सिद्धि ने चारों तरफ देखते हुए कहा, बोलो। हमको ना जाने क्यों उस त्रिपाठी पर बहुत शक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सबसे कुछ छुपा रहा है। जगदीश के कहने पर रामू बोला, जी दीदी हमको भी लग रहा है। साले की आंखों से लग रहा है कुछ तो खेल किया है इस त्रिपठिया ने। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ, पर इस बार इसने क्या काम लिया और पुल गिर गया। बताओ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जगदीश की बात पर सोचे जरा। सिद्धि ने कहा, सोचना क्या है, चलो जरा देख कर आए। वैसे कहाँ रहता है ये? हमारे ख्याल से चेत सिंह घाट के पास ही का घर है। नबे था दीदी, सुना है नई सड़क पर उसने अपना नया घर बनवा लिया है, और तो और बहुत आलीशान बनवाया है। रामू के ये कहने पर सिद्धि ने कहा, घर? साले ये तो बोलता था इसके पास पैसा नहीं है। तो अब कहाँ से आया साले के पास? जगदीश बोला, यही तो दीदी, जिसके पास कुछ महीने पहले पैसे नहीं थे पर अब आलीशान घर बनवा लिया। बहुत बड़ी बात है दीदी, इसमें हमको बहुत जोर लग रहा है। तो चलें जरा देख कर आए त्रिपाठी साहब का नया आलीशान घर। आओ रामू, तुम यहीं रहो और जो कुछ मिले हमें बताना। अपनी नजरें कहीं से भी मत हटाना, मुझे सबूत चाहिए। एक भी सबूत मिला तो मैं रमेश को घसीटते हुए जेल ले जाऊंगी, समझा? मैं तब तक त्रिपाठी का घर और लुगाई दोनों देख कर आती हूँ। ये बोलकर वो अपना फोन जीन्स के पॉकेट में डाली और जीप में बैठ गए। इधर से वीर के साथ मिलके सारे ऑफिस वालों की मीटिंग ले रहा था। उसने सबको देखते हुए कहा, 10 तारीख से पहले हमें एक टेंडर भरना है और मुझे वो टेंडर किसी भी कीमत में चाहिए। जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है, लेकिन प्लीज आप सब इस बार संडे को भी ऑफिस आ रहे हैं। बाद में आप सबको एक छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए अभी आप सब लोग जी तोड़ मेहनत करें। ये टेंडर मिला तो ये हमारे ऑफिस के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा और उसकी सक्सेस आप सबकी सक्सेस होगी, तो आप सब काम में लग जाएं। उसके ये कहने पर सब चले गए। वीर ने कहा, सर लेकिन क्या हम वक्त से पहले ये पेपर दे पाएंगे? आपको पता है ना सर, 3 दिन का वक्त है और इतने वक्त में इतना सारा काम करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी है इसलिए करना है, छोटे कामों को शिव सिंह हाथ में नहीं लेता है। इसमें 100 से ज्यादा बिजनेसमैन भाग ले रहे हैं, पर जीतना मुझे है, इसलिए तैयार हो जाओ। जरूरत पड़े तो घर मत जाना, मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, समझे? अब काम में लग जाओ। उसके ये कहने पर वीर चला गया। दूसरी तरफ सिद्धि त्रिपाठी के घर के सामने जीप रोकी तो देखा सच में काफी अच्छा घर बना लिया था उसने। ये देखकर वो नीचे उतरी और सारे आदमियों के साथ वो अंदर चली गई। हॉल में बैठा त्रिपाठी दोपहर का खाना खा रहा था। सिद्धि ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जय महाकाल त्रिपाठी जी। उसकी आवाज सुनकर जब त्रिपाठी ने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा छूट के प्लेट में गिर गया। त्रिपाठी ने जब सिद्धि को देखा तो उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा छूट के प्लेट में गिर गया। सिद्धि अंदर आई और चेयर खींच के उसके सामने बैठ गई। तभी त्रिपाठी की बीवी आई और उसे देखकर वो भी घबरा गई। उसे देखते हुए सिद्धि ने कहा, अरे भाभी जी आए बैठे, ऐसे काफी आलीशान घर बनाया है तुमने त्रिपाठी, बहुत खूबसूरत है। क्या बोले हो जगदीश? जगदीश ने कहा, हाँ दीदी, कुछ महीने पहले तो त्रिपाठी भैया के पास कुछ नहीं था, पर आज देखो इतना बड़ा आलीशान घर है और बिटिया का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवाया है। बहुत खर्चा कर रहे हैं, पर दीदी ये सब हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा हमरे। सिद्धि ने कहा, हाँ जगदीश, ये सवाल तो हमारे दिमाग में बहुत उठ रहा है। तो भाभी जी आप बताएं, काकी आपके पति ने जो ये सब बहार आ गई आपके जीवन में? वैसे हमें पता है एक पत्नी अपने पति के गलत काम में साथ नहीं देगी, और आपने भी नहीं दिया होगा, लेकिन ये सब क्या है जो हम देख रहे हैं? और तुम भी त्रिपाठी, हमें बताए ना ही इतना बड़ा घर बना लिए। अरे घर बनाया तो पूजा हुई होगी,
तो हमें तो मिठाई नहीं खिलाई, ये बहुत बुरी बात है। पर छोड़ो, हमारे लिए मिठाई वही होगी जिसमें तुम सच बोलोगे। अब बताओ, ये सब कहां से आया, कैसे बनाया ये सब? उसके कहते ही जगदीश और सिद्धि के एक और आदमी ने बंदूक निकाल के उसके ऊपर तान दी। ये देखकर त्रिपाठी और उसकी पत्नी दोनों ही घबरा गए। त्रिपाठी की बीवी ने कहा, ये क्या कर रही हो दीदी, हमारे पति को छोड़ दो, कुछ नहीं किया इन्होंने, ये सब तो उनकी मेहनत की कमाई है और कुछ गांव के खेत बेचे हैं, उससे यहाँ ये घर बनाया है, आप छोड़ दे इन्हें। सिद्धि ने कहा, काबे त्रिपाठी, तुम तो साले बहुत बड़े वाले कमीने निकले, तुमने अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताया। चलो कौन बात नहीं, अब इन्हें और मुझे साथ में बताओ कि ये सब कहां से आया है, वरना अगर हम जानने को आए तो क्या होगा, ये तुम जान नहीं सकते हो। अब चलो बोलो जल्दी। उसके बात पर त्रिपाठी चुप रहा तो सिद्धि ने कहा, देखो भाभी जी, माफ करें, आपके पति जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमें मारना होगा इन्हें। उसके ये कहने पर जगदीश ने गन निकाल के उसके सिर पर लगा दिया। ये होते ही उसकी बीवी ने कहा, आप बता काहे नहीं देते हैं, ये सब आपने कैसे लिया और क्या किया है? उसके ये कहने पर त्रिपाठी ने कहा, ये सब हमें रमेश साहब ने दिया है, हमने उनके कहने पर पुल वाले प्रोजेक्ट में घपला किया और ये सब उन्होंने इसलिए दिया, और ये भी कहा कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे। सिद्धि ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, ये सब जो भी तुमने कहा उसमें हमें गुस्सा सिर्फ इस बात का आ रहा है त्रिपाठी, कि तुमने अपने फायदे के लिए बहुत मासूमों की जान ले ली है, और ये बात हमारी खोपड़ी में ज्वालामुखी फोड़ चुका है। एहला ने, अब तुम चलो पुलिस स्टेशन, और जो भी यहाँ बोले हो वहां बको, और उसके बाद तो रमेश बाबू को घसीट के हम जेल के नहीं बनारस के दर्शन कराएंगे, उसने जो किया है उसकी सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। उसके ये कहने पर त्रिपाठी ने अपने पीछे से बंदूक निकाली और अपनी पत्नी को पकड़ के उसके सिर पर लगाते हुए कहा, तुम सबको का लगा, तुम सब आओगे और हमसे सब जानकर हमें पकड़ के ले जाओगे? अरे त्रिपाठी हैं हम, ऐसे किसी के साथ हम आ जाएं तो लानत है सालाम पर। और तू सिद्धि सिंह राठौर, तूने क्या सोचा, हम तेरे पीछे इसलिए भागते हैं? अरे जा, मैं तो बस सुरेश जी के कहने पर तुम्हारे पास आया था, हमने अपना काम कर दिया, अब हमको जाने दो वरना इस लता की खोपड़ी खोल देंगे यहीं। ये सुनते ही सिद्धि ने कहा, त्रिपाठी क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी बीवी है, कुछ शर्म करो, इसने तुम्हारा साथ दिया है इतने साल के भरोसे के लिए, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, हटाओ बंदूक, हमने कहा हटाओ। त्रिपाठी बाहर की तरफ जाते हुए बोला, अरे कौन सा भरोसा और कौन सी पत्नी, हम कबो इसके जंजाल से प्रेम किए ही नहीं, हम तो बस अपने बाप के बोझ को ढेल रहे हैं, उसके दोस्त की बेटी थी और पैसे वाली, हमको लगा दहेज लाएगी, पर लायका बस हमरे लिए फूटी किस्मत, इतना अमीर था इसका बाप पर कभी कुछ नहीं दिया, तो हम क्यों उसे कुछ दें? और लता तुम्हें ही नहीं पता कि हम तुमसे नहीं बल्कि किसी और से प्रेम करते थे, और इतने सालों से जो ये सब था ना, वो बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाप के मरने पर उसकी जायदाद हमारी होने वाली थी, पर साला कल पता चला उसने सब कुछ तुम्हारे नहीं हमारी इस बेटी के नाम कर दिया है, वो भी 18 साल के बाद मिलेगा, हमारी तो साली खोपड़ी बौखला गई। बताओ जाते जाते भी उसने बहुत बढ़िया खेला खेला हमारे साथ, और हाँ अब हम जा रहे हैं पर वापस आएंगे सब लेने। ये बोलकर उसने उसे अंदर की तरफ धक्का मारा और दरवाजा बाहर से बंद करके अपनी जीप लेकर वहां से चला गया। सिद्धि ने दरवाजे पर मारते हुए कहा, त्रिपाठी त्रिपाठी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, लेकिन उसने सुना कि जीप की आवाज है तो वो समझ गई त्रिपाठी वहां से निकल गया है। उसने गुस्से में इधर उधर देखा और कुछ दूर पर रखे फूलदान को उठा लिया और दरवाजे के कांच पर जोर से मारा जिससे वो टूटा, और उसने हाथ डाल के बाहर से कुंडी खोली और बाहर आई। देखा तो त्रिपाठी जा चुका था। उसने जगदीश से कहा, जगदीश पुलिस को कहो पूरे बनारस में नाकाबंदी करे और बोलो कि सुरेश साहब के घर पहुंचे, रमेश बाबू को उठाना है, बहुत खेल खेला अब नहीं। उसके ये कहने पर जगदीश ने तुरंत पुलिस के पास फोन किया।
उधर त्रिपाठी ने जीप चलाते हुए अपना फोन निकाला और सुरेश साहब को फोन किया। सुरेश ने फोन उठाकर कहा, क्या हुआ त्रिपाठी, कम तो नहीं पड़ा? त्रिपाठी ने कहा, सिद्धि सिंह राठौर आपके घर आ रही है, उसे सब पता चल गया है। रमेश जी को वहाँ से हटा दे, नहीं तो आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उसके ये कहने पर वो बोला, अबे ये क्या कह रहा है, उसे ये सब कैसे पता चला? बस पता चल गया है, वो हमें पकड़ने आई थी लेकिन हम भाग गए हैं। आप भी रमेश बाबू को संभालें। ये बोलकर त्रिपाठी ने फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही सुरेश ने आवाज लगाई, रमेश, अरे ओ रमेश। उसके बुलाने पर रमेश भागते हुए आया। उसे देखकर सुरेश बोला, तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से, उसे भी किसी भी वक्त पुलिस लेकर आ रही होगी, उसे सब पता चल गया। रमेश घबरा के बोला, पर उसे कैसे पता चला, ये सब बताया किसने? अरे ये सब बाद में बता देंगे, तुम अभी श्याम के साथ निकलो। अरे श्याम लेकर जाए से, और देखना किसी के हाथ ना आइए, जितनी जल्दी हो ले जाए से। उसके कहने पर श्याम के साथ रमेश निकल गया। उसके जाते ही सिद्धि पुलिस के साथ उसके कोठी पर पहुंची। वो पुलिस के साथ अंदर आई और इंस्पेक्टर से बोली, पूरी कोठी छानो, मुझे वो किसी हालत में मिलना चाहिए, किसी भी कमरे में किसी भी हालत में हो उठा के घसीटते हुए लाओ। सुरेश साहब अपनी धोती को पकड़ के बैठते हुए बोले, अरे अमले साहिबा, काहे इतना मेहनत कर रही हो, वो तो यहाँ है ही नहीं जिसको तुम पकड़ने आए हो, वो तो उड़ गया बहुत पहले ही। हमारे आदमी का फोन आया था, हमने उसे उड़ा दिया, अब यहाँ अपना वक्त काहे खराब कर रही हो, और किस सबूत से तुम उसे यहाँ लेने आई हो? पहले जाओ सबूत लाओ, उसके बाद इस कोठी में आना, बहुत इज्जतदार लोग रहते हैं यहाँ। तभी पुलिस ने कहा, मैडम जी हमने पूरी कोठी छान मारी, पर रमेश बाबू यहाँ कहीं नहीं है। सिद्धि ने जगदीश से गन ली और सुरेश की खोपड़ी पर लगाते हुए बोली, अरे ओ चाचा, इस वक्त हमारी खोपड़ी बहुत सनकी हुई है, यही लाने अपने बेटवा को जितना छुपा सकते हो छुपा लो, क्योंकि जिस दिन वो मेरे हाथों में आया उसे उसी पुल के नीचे मारेंगे जिसके नीचे बहुत से घर के दीपक बुझे हैं, बहुत से सहारे छूट गए हैं। और हाँ, सबूत की बात आप मत करो, तुम्हारा उप्यादा है ना त्रिपाठी, उसकी सारी बात वीडियो के साथ रिकॉर्ड करवाए हैं, इसलिए तुम्हारा बिटवा तो गया और उस त्रिपाठी को भी हम नहीं छोड़ने वाले। ये बोलकर वो हटी और पुलिस को देखते हुए बोले, आप सब 24 घंटे यहीं रहेंगे, इनकी हर हरकत पर अपनी नजर रखें, और हाँ इंस्पेक्टर, अगर तुम फिसले तो कसम खाके की तिरंगे में लपेट देंगे तुम्हें, समझे? चलो रे। ये बोलकर वो वहां से चली गई। रात का वक्त, माधवगढ़। अनाया जब घर आई तो खाने का वक्त हो गया था। वो सबके पास आई और मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, ये आप सबके लिए, मेरे न्यू ऑफिस के टेक ओवर की खुशी में। उसके ये कहने पर काशी ने कहा, न्यू ऑफिस, ये कब हुआ? अनाया ने कहा, आज ही काशी आंटी, वो कई दिनों से चल रही थी बात, लेकिन दो दिन पहले सब कुछ फाइनल हुआ और हमने उस ऑफिस का पूरा लोन चुका के उसे अपने नाम करवा लिया, अब मैं वहाँ की न्यू बॉस हूँ। इस पर रुद्र ने कहा, जिस तरह आप खुश हो रहे हैं, बात सिर्फ इतनी सी तो नहीं हो सकती है, बात कुछ और भी होगी जरूर। उसके ये कहने पर अनाया ने खीरा खाते हुए कहा, आप सही बोल रहे हैं, बात यह है कि ऑफिस जिसका था वो इंसान था अभिनव राय चौधरी, मैंने उसके ऑफिस को टेक ओवर किया है ना, गुड न्यूज। इस पर जानवी ने कहा, अरे ये गुड न्यूज नहीं, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट है, वो भी अभिनव साहब के लिए, तब तो मीठा खाना बनता है। रुद्र ने उसके बात पर कहा, जो भी कहो, आपने ये बता दिया अनाया कि लड़कियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो गलती अभिनव ने किया था उसने उस वक्त सोचा वो आपसे जीत चुका है, और उसे क्या पता था उसकी हार उसी दिन से शुरू हो गई थी जब उसने आपको कमजोर मान लिया था। अनाया ने कहा, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो इंसान मरने की भीख मांगे मेरे सामने, पर मैं उसे मौत नहीं दूंगी, मैं उसे जिंदा रखूंगी, क्योंकि मौत उसके लिए नहीं है। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, तब खाना खाते हैं। ये बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद काशी ने कहा, चाहे जो गलती की हो अनाया ने,
लेकिन उस गलती से उसने सीखा ये बहुत बड़ी बात है, और उस गलती से सीख के खुद को मजबूत बनाया, इतना मजबूत कि अब वो लड़खड़ा भी नहीं सकती। ये कहते हुए वो जाते हुए अनाया को देख रही थी, तभी शिव महल में आया। उसे देखकर सिया ने कहा, अरे शिव बेटा आओ जल्दी से खाना खा लो, इतना वक्त कहाँ लगा दिया आज। शिव ने कहा, मासी वो काम बहुत है आजकल ऑफिस में, आप मेरे कमरे में खाना भिजवा देंगे, मुझे कुछ काम करना है। ठीक है जाओ। उसके कहने पर शिव चला गया। सुबह का वक्त, माधवगढ़। रुद्राक्षी ने अपनी शादी के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, वो कमरे में बैठी कुछ काम करे जा रही थी। जानवी और अनाया उसके कमरे में आकर देखे तो रुद्राक्षी को काम करते हुए देखकर कहा, मैडम जी आपको पता है ना 4 दिन बाद आपकी शादी है, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी नहीं किसी और की शादी हो। एक तो श्रेया भाभी को इसी वक्त जैसलमेर जाना था और भाभी को बनारस, और जिसकी शादी है वो खुद काम कर रही है। रुद्राक्षी ने कहा, बस एक मेल करना था वही कर रहे थे। बताओ आप दोनों यहाँ कैसे। अनाया ने कहा, वो ऐसे कि हमने सोचा कल से आप तो बाहर जा नहीं पाएंगी, लेकिन आज का वक्त है तो क्यों ना हम सब मिलके आज बाहर चले। रुद्राक्षी ने कहा, नहीं कहीं नहीं जाना, एक बार गए थे मुझे उस पागल आकाश से लड़वा दिया। अरे वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई और सही सलामत घर आई, वरना क्या पता लोग संतरे अनार लेकर मुझे हॉस्पिटल में मिलने आते। ना बाबा इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाली, और तुमने तो मैडम आते ही नई दुश्मन से दोस्ती करा दी, वो अभिनव भी बैठा होगा इंतजार में कि कब ये सब बाहर निकले और कब इन सबको मैं मारूं। खासकर तुम मनाया मैडम, एक तो उसका अफ्रीका वाला ऑफिस बंद करा दिया, यहाँ वाले ऑफिस में कब्जा कर लिया, वो तो वैसे भी बौखलाया पड़ा है, ऊपर से वो उस आदित्य राय चौधरी का भाई निकला, वो तो मुझे एक नंबर का पागल लगता है। वैसे इसके घर में और भी लोग हैं या बस इतने ही पागल हैं। अनाया ने कहा, मैंने पता करवाया था तो पता चला एक बुआ जी हैं, अक्सर हवेली से बाहर ही रहती हैं, और एक बहन है, शायद उसे कुछ बीमारी है इसलिए उसे कहीं भी आने जाने नहीं दिया जाता, बहुत कम लोग उससे मिले हैं। इस पर रुद्राक्षी ने कहा, लो भैया एक बुआ है जो महल में ही नहीं रहती है, और एक बहन है जो महल से ही नहीं निकलती है। अजीब पागल महल है, हमको तो उसका वो हवेली देखकर मनहूसियत की फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो बुआ भाग गई, और बहन सच में सर फिरी होगी तभी तो छुपा रखता है, अब वो हमें नहीं पता क्योंकि आज तक हम मिले नहीं है। अच्छा चलो ना आप चलते हैं। अनाया के ये कहने पर वो बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे महल में रहना है। जानवी ने कहा, हम भी देखते हैं तुम कैसे रहती हो। ये बोलकर उसने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे उठाकर अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ आकाश अपने ऑफिस में बैठा था, उसका असिस्टेंट आया तो बोला, हाँ तो क्या पता चला। उसके असिस्टेंट ने कहा, सर वो आर्यन और रुद्राक्षी दोनों इस महीने की 8 तारीख को शादी कर रहे हैं दोबारा से, और मैंने पता किया तो ये जाना कि रुद्राक्षी का माया जी के मौत के वक्त बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो सब भूल गई थी, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा बहुत याद आया है। आर्यन जी ने जब उनसे शादी की थी तब उनके मन में सिर्फ दुश्मनी थी, पर अब दोनों में प्यार है। रुद्राक्षी माधवगढ़ की राजकुमारी है, इस नाते आधी रियासत की मालकिन भी है, और जो उनसे शादी करेगा उसका उस रियासत पर हक होगा, लेकिन उससे पहले रुद्राक्षी जी ही उस रियासत को टेक ओवर करेंगी, उसके बाद चाहे तो दे सकती हैं, जैसे उनकी माँ ने जैसे में रियासत को अपने सौतेले भाई योग राणा सिंह को दिया था। आकाश ने सब सुनकर सोचते हुए कहा, क्या आर्यन और रुद्राक्षी का डिवोर्स हुआ है या नहीं। जी नहीं सर, उन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है। असिस्टेंट के कहने पर वो बोला, तो दोबारा शादी क्या मजे मजे में कर रहे हैं। एनीवे ये विवान यहाँ आया है, इसका इसके भाई के साथ कैसा रिश्ता है, पहले तो दूर रहता था ना, अभी यहाँ रहने कैसे आ गया। उसके असिस्टेंट ने कहा, सर वो आए नहीं है, बल्कि वो काम के सिलसिले में शिमला आए थे, पर उनकी तबीयत खराब हुई तो आर्यन उन्हें यहाँ महल ले आया, और विवान आर्यन का रिश्ता काफी अच्छा लगा जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है, दोनों में बहुत प्यार है और विश्वास है। और एक खास बात, आर्यन जी के पिताजी की जो रियासत थी उसकी मालकिन भी रुद्राक्षी जी हैं, क्योंकि मरने से पहले आर्यन जी की बुआ ने रियासत उनकी पत्नी के नाम कर दिया था, तो इसलिए अब ये उन्हें मिल गई है।
पर सुनने में ये भी आया है कि रुद्राक्षी जी ने रियासत विवान के नाम करने का सोचा है, क्योंकि उनका मानना है इस पर हक विवान का है। आकाश ये सब सुनकर बोला, वाह बहुत ग्रेट लेडी है, क्योंकि हमें मिलता तो हम तो ना देते। पर कोई नहीं, अक्सर ग्रेट लोग बहुत ज्यादा ग्रेट होने के लिए भुगतते हैं। वैसे मैं विवान से मिलना चाहता हूँ, देखूं कितना भरोसा एक भाई को अपने दूसरे भाई पर, और वो भी जब वो भाई सौतेला हो और उसकी माँ का कातिल भी। बोलो उससे, मैं आज रात को उससे मिलना चाहता हूँ। उसके ये कहने पर उसका असिस्टेंट चला गया।